अब उत्तर प्रदेश में मिलेगी स्वरोजगार के लिए पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन। जी हाँ, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, क्या है ये स्कीम। दरअसल स्वरोजगार के लिए जो है सरकार दे रही है मुफ्त में पॉपकॉर्न बनाने की मशीन। जो मक्के के दाने होते हैं उनको बोलते हैं पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, ठीक है। तो इसमें क्या मामला है, किस प्रकार की स्कीम है, ये जो है उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन निःशुल्क वितरित कर स्वरोजगार उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। इसमें जो है ये किसके लिए, यानी कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्ग, जो भी अन्य पिछड़े वर्ग के हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं वह। और प्राथमिकता किसको मिलेगी इसमें, प्राथमिकता मिलेगी भुर्जी जाति को, एक जाति होती है भुर्जी, ठीक है, भुर्जी जाति, क्योंकि कुछ जाति का जो पैसा होता है वो जो है अलग अलग जातियों का अलग अलग पैसा होता है। इसी हिसाब से जो सरकार ने प्राथमिकता दी है भुर्जी को, ये पॉपकॉर्न जो मेकिंग मशीन है इसके लिए इस जाति को प्राथमिकता दी है। और उसके बाद नंबर आता है ओबीसी का, ओबीसी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए है। और इसमें जो है ये मशीन जो होती है ये आपको मिलेगी, इससे आप अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जैसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड, नंबर दो पर राशन कार्ड, नंबर तीन शैक्षिक योग्यता, यानी कि जैसे हाई स्कूल इंटर वगैरह है, नंबर चार पे प्रधान का निवास प्रमाण पत्र व संस्तुति पत्र। एक तो प्रधान आपको निवास प्रमाण पत्र बना के देंगे, दूसरा है संस्तुति, संस्तुति पत्र, यानी कि रिकमेंड कर देंगे ग्राम प्रधान आपको, ठीक है। तो ये आपने ग्राम प्रधान से बनवा लेना है, निवास प्रमाण पत्र और संस्तुति पत्र, ठीक है। उसके बाद बैंक खाते की प्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद अपना बायोडाटा, एक प्रकार से एक अपने पेज पे बनवा लेना है इंटरनेट पे, या वहीं से फॉर्म मिल जाएगा इस प्रकार का, कोई ना कोई जहाँ मैं बताने वाला हूँ अभी। अपना बायोडाटा, नाम, पिता का नाम, पिता या पति का नाम व पूर्ण पता, मोबाइल नंबर सहित आवेदन पत्र, ठीक है, यह आवेदन पत्र हो जाएगा। और यह आपने जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, ये हर जिले में होते हैं, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के कार्यालय में जमा करना है आपको, ठीक है। बात करते हैं इसकी अंतिम तिथि, अंतिम तिथि 30/6/2021, ये इसकी अंतिम तिथि है। और चयन कैसे किया जाएगा, चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सत्यापन के बाद समिति द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। और फिलहाल जो इसका ये जो जानकारी है ये गोरखपुर से न्यूज आई है, गोरखपुर, ठीक है। तो मैं इसका जो ये पूरी जानकारी है ना, पूरी न्यूज, इसकी जानकारी पूरी टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और दो तीन स्कीम और आई हुई है जो भी है, मतलब मैं उसकी भी जानकारी उसमें डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और जो अभी जानकारी डालने वाला हूँ मैं, उसमें कई जानकारी डालूँगा, वो डालता रहता हूँ, तो वो आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है। तो इसमें जो फ़िलहाल लक्ष्य रखा है, ये गोरखपुर का जो लक्ष्य रखा गया है, ये 15 मशीन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में 15 मशीन देंगे,
ठीक है, बाद में यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगर आप आवेदन कर देंगे, ये मत मानिए कि 15 मशीन मिलेगी, ओनली जिसका आवेदन होगा, जिसका वहाँ फिर आवेदन हो जाएगा कंप्लीट, जमा हो जाएगा, तो उसको जो नेक्स्ट प्रक्रिया है उसमें बुलाया जाएगा, यानी कि जब लक्ष्य ज़्यादा आ जाएगा मशीन बांटने का, तो उसमें से ही चयन किया जाएगा। तो आप अपना बायोडाटा, अपना जो फॉर्म है वहाँ जमा करिए जिला ग्राम उद्योग अधिकारी कार्यालय में, और इसी स्कीम का फ़ायदा उठाइए। और सारी जानकारी मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद और ये जो है ना, ये मैं आप समझ रहे होंगे ये गोरखपुर है, ये गोरखपुर के लिए है या अन्य जो ज़िले हैं उनके लिए भी है। देखिए जो समाचार पत्र में आया था गोरखपुर से जानकारी आई है, आपको क्या काम करना है, आप जिस ज़िले से हैं आप अपने ज़िले में जिला ग्राम उद्योग अधिकारी से मिल करके इस स्कीम की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन फिजी, ठीक है, ये नाम है इसका, ये फ्री मिलने वाली है, ठीक है। और बाकी मैंने इसमें लगभग क्लियर कर दिया है सब कुछ, और बाकी आप अपने जो है जानकारी प्राप्त कीजिए और इसमें जो है आवेदन करिए, ठीक है। अपने मेरे ज़िले में जल्दी से चेक करवा सकते हैं, ठीक है, जा करके। और हाँ, बस ये जानकारी थी आज के लिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई आपको समस्या आ रही है इससे संबंधित या अन्य कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा रिप्लाई करने का, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।